दिस इज़ मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो बहुत ही आसान है, आप सबको आता भी होगा लेकिन बोलना नहीं आता, क्योंकि चीज़ों को आना और उनको यूज़ करना दोनों में अंतर होता है। और हमें सीखना क्या है, हाउ टू स्पीक। ओके, और सीखने के लिए, ऐसा बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। तो एवरीवन आ जाइए यहाँ पर। क्या है आज का हमारा स्ट्रक्चर है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा देंगे। अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टू शो द कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन की प्रोग्रेस को, कंटिन्यूटी को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये तो हो गई इंग्लिश की डेफिनेशन। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, इज एम आर, तो इसका जो यूज करेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, एम का यूज करेंगे आई के साथ और आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं इन हिंदी, हिंदी में कैसे बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं कर प्लस रहा है, और अगर लड़की है तो कर रही है, और बहुत सारे हैं तो कर रहे हैं, और जा प्लस रहा है तो मतलब जा रहा है, और लड़की है तो जा रही है, और बहुत सारे हैं तो जा रहे हैं। और मैंने इनको यहां पर अलग अलग लिखा है, मैंने कहा कर रहा है तो इज डूइंग, और जा रहे हैं तो आर गोइंग, और पढ़ा रहा हूं तो एम टीचिंग। अब एक बार बताइए कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, और तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, और वो नाच रही है तो शी इज डांसिंग। गॉट इट। ये था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, नेगेटिव में जवाब देना है, तो हमारा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा ये वाला, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब सूटेबल होगी इज एम आर में से वो यूज़ कर लेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आई एन जी। जैसे अगर ये कहना हो कि, जैसे ये कहना हो कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग, यानी कि इज एम आर के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर एम के बाद में नॉट आ गया, तो आई एम नॉट प्लेइंग, वो नहीं सो रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग, वे नहीं लड़ रहे हैं, दे आर नॉट फाइटिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए ये वाले स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज एम आर में से कोई एक, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर, और आई आ गया तो एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे, आई एन जी के बाद में अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप बोल रहे हो, तो आप यानी कि यू, तो क्या आएगा, आर, आर यू स्पीकिंग। क्या वो कपड़े धो रही है, तो लड़की है, लड़की है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इज आएगा, तो इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या वो, क्या वे नाच रहे हैं, आर दे डांसिंग, लाइक दिस। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपने सीख लिया। एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं, ठीक है। वे अखबार पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप मेरा टाइम खराब कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, लेकिन इसी स्ट्रक्चर के ऊपर अभी हम इमेजिनेशन से सीखते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसकी इमेजिनेशन बनी। सो एवरीवन, लेट्स लर्न दिस स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनेशन। ओके, सो हियर इज द इमेजिनेशन। ओके, इज एम आर वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी के ऊपर हम इमेजिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। इन दिस इमेजिनेशन यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर, आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्रो, ब्रदर को शॉर्ट में हमने ब्रो कर दिया है, ठीक है। ब्रो, विराट कोहली इज बैटिंग, के विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, ही प्लेइंग वेरी फास्ट, ही प्लेइंग यानी कि क्या आना चाहिए, इज, ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट, ही हिटिंग सिक्सेस एंड फोर्स। ओके, तो क्या आना चाहिए, ही इज हिटिंग सिक्सेस एंड फोर्स यानी कि वो चौके छक्के लगा रहा है, ही बीटिंग पाकिस्तानी बॉलर्स यानी कि ही इज बीटिंग पाकिस्तानी बॉलर्स, ओनली टू ओवर्स, ओनली टू ओवर्स रिमेनिंग यानी कि ओवर्स एक से ज्यादा है तो क्या आएगा, ओनली टू ओवर्स आर रिमेनिंग, के सिर्फ दो ही ओवर बच रहे हैं। सो
प्लीज़ कम फास्ट, तो कृपया करके जल्दी आ जाओ, ठीक है। ये तो इमेजिनेशन की बात होगी। अब इस इमेजिनेशन पे क्वेश्चंस मालूम करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, टू हूम आर यू टॉकिंग, यानी कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हैं आप इस इमेजिनेशन में, यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हूम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, विराट कोहली के, तो क्या बोलेंगे आप, आई एम टॉकिंग अबाउट विराट कोहली। ओके, हाउ इज ही प्लेइंग, यानी कि अब पूछ लिया गया है कि वो कैसा खेल रहा है, तो आप कह रहे हैं ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट, ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट, कि वो बहुत तेज खेल रहा है। हु इज हिटिंग सिक्सेज एंड फोर्स, चौके छक्के कौन लगा रहा है, विराट कोहली इज हिटिंग सिक्सेज एंड फोर्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ओवर्स आर रिमेनिंग, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आपने कहा Only two overs are remaining. सिर्फ दो ओवर बच रहे हैं। So dear student, hope आपको ये imagination भी समझ में आई होगी। और student, आपको करना क्या है, You have to practice these imagination. ये imagination मैंने create किए, इसको रटना नहीं है, आपको अपने तौर से, अपने तरीके से आपको imagination create करनी है। और कोशिश ये करना है कि जितने structures हमने पीछे सीख लिए हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को आगे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको इमेजिनेशन क्रिएट करनी है। ओके, सो होप अगर आपका होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।